नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार में ठीक नहीं चलने का सीधा मतलब यह होता है कि केंद्र की सरकार भी डवाडोल स्थिति में है। लेकिन आज बात केंद्र की नहीं, बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की डोर अब टूटती नजर आ रही है। और टूटती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जिसे संक्षेप में ईडी कहते हैं, वो ईडी नीतीश कुमार के अवसर पर दबिश बढ़ा देगी। आखिर नीतीश कुमार के अवसर पर दबिश बढ़ाने की नौबत क्यों आई, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और सीधी बात है कि सहयोगी दलों को डरा धमका कर विपक्ष की तरह ही अपने साथ रखने की कवायद चल रही है। लेकिन इन सब के आगे आज नीतीश कुमार ने भी नहले पर दहला लगाते हुए एक बड़ा दांव खेल दिया है। साफ संदेश नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे दिया है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ कर रहा हूं। ये रणनीति बिहार सरकार चल रही है क्योंकि उसके रास्ते दोनों तरफ खुले हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल झोली फैला कर खड़ा है कि कब नीतीश कुमार आकर राष्ट्रीय जनता दल को मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, कब विपक्ष परिवर्तन करा दे। और उधर नीतीश कुमार ने ईडी की कार्रवाई के बाद कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया है, उसकी नई तारीख आ गई है, लेकिन पता नहीं उस नई तारीख पर भी कैबिनेट बैठक होगी या नहीं होगी। दोनों तरफ से सह और मात का खेल चल रहा है और सह और मात के इस खेल में बिहार समेत केंद्र की सरकार भी डवाडोल होती हुई नजर आ रही है। आखिर दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरान ईडी के सहारे सहयोगी दलों पर नकेल कसने की रणनीति पर क्यों चल रहे हैं? ये सवाल भी बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि गठबंधन तो परस्पर विश्वास के साथ होता है, गिव एंड टेक के साथ होता है। ईडी के सहारे, दबंगई के सहारे, दादागिरी के सहारे कोई गठबंधन नहीं चलता। लेकिन ये दादागिरी के सहारे जो गठबंधन चलाने की कोशिश है, क्या नीतीश कुमार को वो रोक पाएंगे? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आप ये बताइए कि आखिर मोदी की ईडी नीतीश कुमार के चहेते ऑफिसर, आप जानते हैं कि बिजली मंत्रालय बिहार में, ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास पिछले 19-20 साल से, जब से नीतीश कुमार सत्ता में है, ऊर्जा मंत्रालय वही है, मंत्री भी वही है। कभी प्रत्यय अमृत बॉस हुआ करते थे बतौर अधिकारी, और अब 7 दिसंबर 2020 से ही, यानी लगभग 4.25 साल से संजीव हंस यहाँ पर स्थापित है। और देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसको कहा जाए कि बिजली विभाग और बिजली महकमा भ्रष्टाचार से मुक्त है। बिजली महकमा, आपको याद होगा, कल्याण सिंह ने जब 93 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया था यूपी में, तो लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता विस्की में और रम में भगवान ढूंढने वाले नरेश अग्रवाल को दिया था। और बिजली मंत्रालय, आप जानते हैं कि मलाईदार मंत्रालय है, हर राज्य में करप्शन का खुला खेल बिजली मंत्रालय में चलता है। बिहार के बिजली विभाग के सचिव के ऊपर ईडी की दबिश, और उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट को ही स्थगित कर दिया जाना। कहा तो वैसे क्या है कि 18 वाली कैबिनेट 19 को होगी, लेकिन पहली बात यह कि 18 को कैबिनेट ही क्यों हो रही थी? आमतौर पर तो बिहार में मंगल को, और मंगल को नहीं हुआ तो बुधवार को होती है, बृहस्पति को हो रही थी, अब वो भी नहीं होगी। ये सह और मात का खेल कहां जाकर रुकेगा? बिल्कुल, कल जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर संजीव हंस को लेकर, जो नीतीश कुमार के चहेते ही नहीं, बहुत ही दुलारे, और ऐसा कहा जाता है और नीतीश कुमार के नाक के बाल हैं, ऐसे चहेते अधिकारी जो मुख्यमंत्री के प्यारे हैं, मुख्यमंत्री दरबार में जो चंद आईएएस अधिकारी हैं उसमें उनका नाम आता है, ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के एसीएस हैं, आपने ये भी देखा कि विद्युत बोर्ड कंपनी के डायरेक्टर भी रहे हैं, इससे पहले उनके पास पीएचडी का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है। तो ऐसे चहेते जो सरकार के, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार के आंख कान नाक बने हुए हैं, और उनपे ईडी का कार्रवाई होना, वो भी जब केंद्र में जेडीयू के सहयोग से सरकार है, बिहार में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन का सरकार है, उसके बावजूद संजीव हंस जैसे मुख्यमंत्री के निकटतम ब्यूरोक्रेट्स पे कार्रवाई होना कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल, नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संकेत दे रहे हैं। क्या संजीव हंस या संजीव हंस जैसे
प्रिय आईएएस अधिकारियों को साधकर क्या नीतीश कुमार या जेडीयू जेडीयू का नट बोल्ट जो थोड़ा ढीला हो गया था उसको कसने का प्रयास किया जा रहा है? क्या साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल गठबंधन में जो एलायंस पार्टनर हैं जिनके कंधे केंद्र की जिनके जिम्मे केंद्र की सरकार है उस पार्टी को और उस पार्टी के प्रमुख को क्या उनके नटवर्ल्ड को कसने का एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से प्रयास है? और ये तो राजनीतिक धमकी है एक तरह से, ईडी भेजना राजनीतिक धमकी है एक तरह से। बिल्कुल, आप देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग कोई रॉकेट साइंस का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आम जनता और दर्शक भी समझते हैं कि आप देख लीजिए 14 से 24 तक के नरेंद्र मोदी का कार्यकाल का आप उनके सरकार का जो एक 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 टेम्पो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कहाँ कहाँ कब कब कार्रवाई हुआ है, उन राज्यों में सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का उपयोग किया गया है या दुरुपयोग करें, जहां एंटी बीजेपी पार्टियों का सरकार है या उन नेताओं को साधने का प्रयास किया गया है जो विपक्षी खेमा के बड़े नेता हैं, उनको डरा धमका कर साधने का प्रयास किया गया है, नहीं तो उनको अपने पाले में लाने का प्रयास किया गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो डेवलपमेंट हुए हैं कुछ वर्षों में वो इस चीज का गवाह है। अजीत पवार से लेके आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ये बंगाल में जो अधिकारी हैं शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे नेता जिन पे गंभीर आरोप थे, पहले उन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है और कुछ दिनों के बाद वे पाला बदल देते हैं, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, या तमाम ऐसे नेता हो जिन पे गंभीर आरोप था और ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है और कुछ दिनों के बाद वो राजनीतिक पाला बदल लेते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है अब से कि जहां बीजेपी जेडीयू की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू का महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे राज्य की राजनीति का मामला हो या केंद्र का मामला हो, और ऐसे राज्य पे जो सरकार के चेहरा है, सरकार के प्रमुख हैं, सरकार के मुखिया हैं, उनके चहेते आईएएस पे ईडी का कार्रवाई होना कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि जेडीयू बीजेपी के जो रिलेशन है उसमें करवाहट आई है और ईडी सीबीआई के माध्यम से नीतीश कुमार को टाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन होता है, और आज तो रिएक्शन आपने देख ही लिया, थोड़ा सा झटका देख ही लिया, कल जो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है, और कैबिनेट की बैठक कितना महत्वपूर्ण होता है आप समझ सकते हैं, रूपरेखा तैयार होता है, कई विषयों पर चर्चा होती है, और गुरुवार को जो निर्धारित कैबिनेट की बैठक थी उसको आज रद्द कर दिया गया है। तो संकेत मिलने लगे हैं, मैंने कल भी कहा था कि झारखंड में देखिए सरयू राय जो बीजेपी के सबसे विरोधी अभी माने जाते हैं, उनका नीतीश कुमार से मिलना, जेडीयू का ये संकेत देना कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में सरयू राय के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपने ठीक कहा, लालू यादव के भी वो बहुत निकट है, लालू यादव के निकट होना, सरयू राय का नीतीश कुमार से मिलना, फिर जेडीयू का ये कहना है कि उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये संकेत हैं। और झारखंड से जो फीडबैक आ रहा है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपके विषय से इतर, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। कल ही मैं एक बड़े पत्रकार से बात कर रहा था झारखंड के, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन वाला एपिसोड हुआ है, आदिवासी ही नहीं गैर आदिवासी में भी हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति का लहर है, जो कुछ दिनों पहले तमाम पत्रकार मान रहे थे। जी, एक जानकारी उसमें आ रही है, ठीक है, हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति की लहर है, उसमें ये चर्चा है कि सरयू राय का दो यूटिलाइजेशन है नीतीश कुमार के लिए, एक तो उनके दोस्त भी है, और उनके दोस्त है तो लालू यादव के दोस्त है ही, जब रिम्स में लालू यादव भर्ती थे, रिम्स के डायरेक्टर के बंगले को लालू यादव के लिए अस्थायी टेम्पररी जेल बनाया गया था, वहां सरयू राय अक्सर जाके मिला करते थे लालू यादव से, ये सब लोग जानते हैं, सब कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई दबे ढके मुलाकात नहीं होती।
सरयू राय का एक यूटिलाइजेशन जेडीयू के लिए ये है कि लालू यादव कुछ मुद्दों पर जो गठबंधन की फिर से बुनियाद डाली जा रही है उसमें जो कुछ मुद्दों पर मतांतर है उस मतांतर को दूर कराए, पहली बात। दूसरा ये कि बिहार चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड या हरियाणा के तीन राज्यों के साथ अगर नहीं कराया जाता है तो झारखंड में सरयू राय और जदयू ये दोनों मिलकर झारखंड में बीजेपी के साथ एक रिवर्स चिराग मॉडल खेल सकते हैं, एक ऐसा चिराग मॉडल जिसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को। सरयू राय झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों को हथेली के चेस बोर्ड की तरह जानते हैं कि कहां उंगली रख दिया जाएगा, कौन कैंडिडेट खड़ा करने से किस सीट पर बीजेपी के 15,000 वोट काट के ले जाएगा, 20,000 वोट काट के ले जाएगा, ये सरयू राय को बखूबी पता है। तो एक यूटिलाइजेशन ये है कि विधानसभा चुनाव अगर विधानसभा भंग करने पर भाजपा सहमति नहीं देती है तो झारखंड में एक रिवर्स चिराग मॉडल की गुंजाइश। तो नीतीश कुमार ने तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो जाएगी कहां। अब नीतीश कुमार को इस बात का डर नहीं है कि सरकार गिरा देगी, क्योंकि सरकार को गिरा नहीं सकती बीजेपी की, इतनी औकात नहीं है बीजेपी की कि नीतीश कुमार की सरकार गिरा सके। राष्ट्रीय जनता दल तो रेस्क्यू के लिए खड़ी ही है। सवाल ये उठता है ऋषि जी कि संबंधों के बीच जब इतना अविश्वास है, और वो अविश्वास तब है जब खुद नरेंद्र मोदी बैसाखियों के बूते हैं, और एक बैसाखी नीतीश कुमार की भी है, एक नायडू साहब की भी है। नायडू साहब का आलम आपको क्या पता है कि नायडू साहब मोदी साहब से मिलते हैं दिल्ली आके, कल भी आके अमित शाह से मिले हैं। नायडू फोटो ट्वीट करते हैं कि मैंने मोदी से मुलाकात की, शाह से मुलाकात की। एक सांसद से मिलने पर फोटो ट्वीट करने वाले मोदी साहब नायडू के साथ जो मुलाकात हुई उसकी फोटो ट्वीट नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। आप संबंधों में कितना तनाव है अंदाजा लगा लीजिए। और इस तनाव के बीच यदि बिहार का तनाव एस्केलेट होता जा रहा है, ईडी की गतिविधियां बढ़ती जा रही है जो तनाव को और ज्यादा एस्केलेट कर रही है और बढ़ा रही है, तो आप बिहार की राजनीति को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक उसका एक कारण भी है, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू हो, बजट से पहले ये दोनों जो क्षेत्रीय पावर सेंटर हैं वो केंद्र पे दबाव बना रहे हैं कि दोनों राज्यों के लिए विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा या बड़ा पैकेज दिया जाए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पे अंकुश लगाने के लिए इस पर प्रकार का कार्रवाई हो बजट से पहले। देखिए, उसको बजट से भी जोड़ के देखिए, क्योंकि जो भी घोषणा होगा इन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। तो ये जो बजट आ रही है 25 जुलाई को आ रही है, तो उसमें ही इस चीज का घोषणा होगा 23 जुलाई को। तो उससे पहले ये प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी आप शांत हो जाइए, जो आप पैर फैला रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा डिमांड में कमी लाइए, नहीं तो हमारे पास अन्य हथियार भी हैं, अन्य उपाय भी हैं जिससे आपके आपके नट बोल्ट टाइट किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होती है, इतना महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री, इतना महत्वपूर्ण घटक जिनके बल पे आपकी सरकार है, और उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होता है, और प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से या पीएमओ के ट्विटर हैंडल से उसका पोस्ट अपडेट नहीं होना, तो अपने अपने संकेत है ही है। और जहां तक सरयू राय की बात करें, तो ये मैं नहीं कहने के कैपेसिटी में कि सरयू राय कितना डैमेज करेंगे, लेकिन सरयू राय ने अपनी उपयोगिता तो साबित कर ही दिया है। वो आदमी में तो दम तो है, क्लेवर तो है ही, कि ताल ठोक के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरुद्ध, जबकि वो उनका सीट भी नहीं था, वो जहां तक मैं सही हूँ जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक थे और जमशेदपुर पूर्वी से ताल ठोक के वो चुनाव लड़े, वो भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध। ऐसे नेता बिरले होते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के विरुद्ध, सिटिंग सीएम के विरुद्ध चुनाव लड़ने गए जी। तो सरयू राय ने तो अपने उपयुक्त साबित कर ही दी है, और बिल्कुल सरयू राय के माध्यम से नीतीश कुमार मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ यदि खेला करेंगे तो हम खेला केंद्र में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे, और आने वाले यूपी चुनाव में पूर्वांचल में भी करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, पूर्वांचल आज के डेट में बीजेपी के लिए सिर दर्द है। आप पटना से लखनऊ तक ट्रेन पकड़ के जाइए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में चढ़ जाइए, तो उस पूरे रेल रूट में पटना के बाद भाजपा सांसद बनारस में मिलेंगे नरेंद्र मोदी, और बनारस के बाद भाजपा सांसद उस रेल रूट में सीधे लखनऊ में मिलेंगे राजनाथ सिंह। बीच में भाजपा सांसद का दर्शन नहीं होगा। पटना से ट्रेन छूटेगी, दानापुर पहुंचेगी तो रामकृपाल यादव का इलाका, आरा पहुंचेगी माले का इलाका, फिर रामकृपाल यादव का एरिया
आप राम कृपाल ये यादव का एरिया नहीं रहा, आप मिसा भारती का एरिया, आप हार गए जी। तो मेरा सवाल ये है कि केंद्र के साथ साथ बिहार में भी बजट सत्र शुरू, सॉरी बिहार में भी मानसून सत्र शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बात ध्यान रखी, केवल 5 दिनों का सत्र बुलाया है, 5 दिनों का सत्र, 22, 23, 24, 25, 26, यही 5 दिन बिहार में सेशन है। पहला दिन शोक प्रस्ताव पास होगा, बीच में जो कुछ भी घटनाएं हुई, जितने लोग पूर्व सदस्यों का देहांत हुआ, उसके बाद सदन स्थगित हो जाएगी, यानी काम केवल 4 दिन होगा, और 4 दिन के बाद सदन का सत्रावसान हो जाएगा, और उस सत्रावसान यानी 26 जुलाई के बाद भादो का महीना शुरू होगा 20 अगस्त से। तो 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच की जो का जो समय है बिहार की राजनीति में खेला के लिहाज से उपयुक्त है, क्या लगता है आप? ही पार्टी सामने झुकेगी? आप ही देखिए ना, कई ऐसे डेवलपमेंट हुए, एक मंत्री का बयान आना कि मेरे विभाग में बिना पैसे के लेन देन का कोई काम नहीं होता है। मंत्री जिस पे हमला बोल रहे थे, मंत्री इतनी सफाई गोई से कोई बात कर रहे थे तो उसको ऐसे मत लीजिए, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग डायरेक्ट सीएमओ से होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय से होता है, आयुष भूमि सुधार आयुष विभाग का एसीएस कौन होगा, मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं। मंत्री का कैपेसिटी है क्या, या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा से कंसल्ट करते होंगे क्या, या नीतीश कुमार का जो आप अप्रोच जानते हैं, रवैया जानते हैं, क्या वो जब एसीएस या तमाम ब्यूरोक्रेट्स का पोस्टिंग करते होंगे तो इन लोगों से सलाह भी लेते होंगे क्या? और आप देखिए नीतीश कुमार का 2005 से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी एलायंस पार्टनर रहा हो और जो भी एलायंस पार्टनर के हिस्से में विभाग रहे हो, वहां एक प्रमुख आईएएस जो है उनके अपने जो करीबी आईएएस है उनको अटैच कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, प्रत्यय अमृत अटैच है। ऊर्जा विभाग को ले लीजिए, हालांकि ऊर्जा विभाग जेडीयू के खाते में है, विजेंद्र यादव शुरू से मंत्री रहे हैं। तो हर एक विभाग में ये अपने एक आईएएस को लगा बैठ देते हैं। क्या संजय जायसवाल, क्या संजय जायसवाल ही नाम है ना बिहार के ऊर्जा मंत्री का, भूमि सुधार आयुष मंत्री का, दिलीप जायसवाल ये कह सकते हैं कि हमको दीपक बाबू नहीं, हमको संजय बाबू चाहिए, यह एक्स वाई जेड कोई चाहिए, नहीं कह सकते है ना? तो जो ये हम मंत्री का जो बयान आया है, वो भी बीजेपी कोटे का मंत्री का बयान आया है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। आज ही नीरज सिंह बाबू ने कहा है, आज ही दिलीप जायसवाल की आज ही आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं दिलीप जायसवाल जी से समय लेकर उनका इंटरव्यू करने की। जी आप ही आज ही देखिए, नीरज सिंह बबलू का बयान आया है कि अपराधियों के विरुद्ध इनकाउंटर करना चाहिए, इनकाउंटर करने की जरूरत है, योगी मॉडल लाने की जरूरत है। योगी मॉडल बीजेपी के मंत्री का ये कहना, बीजेपी के कोटे के मंत्री का कहना है कि इनकाउंटर करना चाहिए, यानी वो योगी मॉडल को लागू करना चाहते हैं बिहार में। क्या नीतीश कुमार कभी ऐसे चीजों को पसंद करेंगे? तो कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं अभिषेक जी, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो तल्खियां हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, और खासकर कल के बाद तो ये लड़ाई मुझे लगता है पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के सामने होने जा रही है, जब संजीव हंस पे ईडी ने कार्रवाई किया है, और ईडी के कार्रवाई के बाद आज जो है आनंद फानन में ये निर्णय लिया गया है कि गुरुवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसको तत्काल रद्द किया जाता है। हालांकि एक सूचना ये आई है कि ये बैठक एक दिन के लिए टाली गई है, लेकिन पूर्व में देखा गया है कि कई बार जो बैठक टली है वो एक दिन के लिए टाली जाती है और टलते टलते 10 दिन हो जाता है, और जब भी नीतीश कुमार होते हैं तभी कुमार जी का कोई बात, नीतीश कुमार जी का कोई बाहर जाने का कार्यक्रम नहीं है जहां तक हमें जो सूचना है उसके आधार पर बता रहा हूँ। नीतीश कुमार बीमार है, पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह स्वस्थ है। पटना में एक टनल को देखने गए कि काम कैसा चल रहा है। तब जो नीतीश कुमार पटना में मौजूद है, स्वस्थ है, बाहर जाने का कार्यक्रम नहीं है, तो क्या कारण है कि कैबिनेट बैठक को रद्द कर दिया गया? तो संकेत के आधार पे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जेडीयू बीजेपी में सब कुछ समान नहीं है, और जेडीयू में कई ऐसे धारा हैं, और मुझे लगता है उस धारा की बहुलता भी है, जो ये चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार का जो आधार, सामाजिक आधार रहा है राजनीति का, उसमें वो बीजेपी के साथ फिट नहीं बैठते हैं,
और एक बड़े धारा का मानना है कि हमें फिर से महागठबंधन में चले जाना चाहिए। लेकिन एक धारा ये भी है, संजय झा है, अशोक चौधरी है, तमाम ऐसे नेता हैं, वो चाहते हैं कि आखिर बीजेपी, वो धड़ा तो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि रुपौली में दिख गया बीजेपी के कोर वोटर बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है, वो जाके निर्दलीय कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो अलायंस क्या नीतीश कुमार ने कोई मतलब कोई इस तरह से राजनीति में किसी पर एहसान करने के लिए अलायंस होता नहीं है? आप रुपौली में देख देने के लिए होता है। आप रुपौली में देख लीजिए ना, लोकसभा चुनाव में रुपौली, लोकसभा चुनाव को एनालिसिस कीजिए विधानसभा वाइज, तो रुपौली में करीब 90-92 हजार के वोट मिले थे जेडीयू को। इस बार जेडीयू को कितना मिला है? करीब 60 हजार के आसपास। तो देखिए जो 25-30 हजार का जो डिफरेंस है क्या, वो कैसे है, वो 25-30 हजार वोट गया कहाँ, और हार कितनी सी हुई है? 8211 मतों से हार हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि वो वोट, यदि उस वोट का आधा भी यदि इनको मिल जाता तो जेडीयू आसानी से चुनाव जीत जाती जी। तो ये समझने की जरूरत है, ना वोटर पर भरोसा है ना नेतृत्व पर भरोसा है नीतीश कुमार को। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि चाचा का आशीर्वाद लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं, इस तरह का संकेत दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये इसमें बुनियादी बातें कहां अटकी हुई है जिस वजह से इसको फॉर्मलाइज अभी नहीं किया जा रहा है या शुभ दिन शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि देखिए बार बार गठबंधन तोड़ना भी किसी भी नेता के लिए सही नहीं होता है, समाज में उस नेता के प्रति जो एक इमेज है उस पर प्रभाव पड़ता है, कई लोगों में ये मानस बन जाती है कि नीतीश कुमार जो है पाला बदलने में एक्सपर्ट है या पाला बदलवाने में एक्सपर्ट है जी। तो नीतीश कुमार भी समय का इंतजार करते हैं और एक महत्वपूर्ण कोई एक रीजन ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दे ऐसे जरूर, मुझे लगता है कि हम लोगों को बजट का इंतजार करना चाहिए। यदि बजट में बिहार को लेकर स्पेशल पैकेज या बिहार राज्य के दर्जा का घोषणा नहीं होता है, बिहार राज्य स्पेशल राज्य का घोषणा नहीं होता है, रिजर्वेशन वाले मामले को लेकर यदि सरकार कुछ, आज देखिए ना जो प्रधानाध्यापक और क्या का जो रिजल्ट आने वाला था कल रोक लगा दिया गया है, क्योंकि सरकार इस इंतजार में है कि यदि 9वीं सूची में चला जाएगा मामला तो फिर हम रिजल्ट निकालेंगे। 65% वाला जो मामला है रिजर्वेशन का, जो 65% का जो सीमा बढ़ाई गई है, जी एक मामला यहाँ आ रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे पर पुश कर रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी के लिए नाको चने चबाने जैसा वो दे नहीं सकते, और विशेष राज्य का मुद्दा बिहार के लिए इतना सेंटिमेंटल मुद्दा है जहाँ जाति धर्म की दीवारें टूट जाती है, सबको चाहिए, आपके हमारे सबके घर का बच्चा जो है पुणे हैदराबाद में जाकर के बेंगलोर में जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा है, बिहार में आईटी हब होना चाहिए, बिहार में तमाम चीजें होनी चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, टैक्स में छूट चाहिए जिसके लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो एक सेंटिमेंटल में मुद्दा है, क्या आगड़ा क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा क्या महादलित सबके लिए। सवाल ये है कि विशेष राज्य के दर्जे पर यदि नीतीश कुमार अलग होते हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक तो पूरा बिहार उनके साथ खड़े होने को तैयार है, या आप गाँव गाँव में कहीं पता कर लीजिए। दूसरा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये बात घर कर गई है कि देखिए प्रशांत किशोर लाख पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करें, हर विधानसभा सीट पर वो 5000 वोट काटेंगे तो भाजपा के कोर वोटर में सही काटेंगे, अपर कास्ट और वैश्य के वोटर में सही 5000 काटेंगे कहीं भी, तो उनके अंदर ये बात घर कर गई है कि अगर लालू यादव नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं इस विधानसभा चुनाव को और प्रशांत किशोर 243 पर जाते हैं चुनाव लड़ने, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में दर्जन भर सीट भी विधानसभा में नहीं जीत पाएगी, ये स्थिति बनती जा रही है बिहार में। तो कहने का मतलब ये कैलकुलेशन चारों तरफ से देखा गया है और इस कैलकुलेशन में बहुत सावधानी से अंदर खाने विधानसभा भंग करने और नवी अनुसूची वाली बात और ऊपर से विशेष राज्य के दर्जे वाली बात को पुश कर दिया गया है और बीजेपी इस पूरे खेल में फंस गई है और इसी गलती में कभी ईडी तो कभी कुछ पासा फेंका जा रहा है।
इसकी चरम परिणति किस रूप में होते हुए आपको दिखाई दे रही है? आप मैंने शुरू में ही कहा आपको बजट सत्र का इंतजार करना चाहिए और बजट सत्र में इसकी घोषणा नहीं होती है, बिहार राज्य के विशेष दर्जा की घोषणा नहीं होती है या स्पेशल कोई बड़ा पैकेज की घोषणा नहीं होती है। और एक बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे चिराग पासवान, नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे जीतन रामपाल जी। पैकेज पर लोगों को भरोसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2015 में आरा की विधानसभा चुनाव में आरा की सभा में नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दे दू, 70,000 कर दू, 80,000 करोड़ कर दू, तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दूंगा। और जब पैकेज की बात आती है तो जो सेंट्रल असिस्टेंट जो हर राज्य को जाता है, जो हाईवे बन रहा है, जो बाकी चीजें जो हो रही है ना, उसमें सारे पैसे को जुड़वा देते हैं लोग, सबको ऐड करा करके लोगों को बताते हैं लीजिए 1,25,000 करोड़ तो दे ही दिया। अब बताइए पैकेज राज्य सरकार को सीधा दिया जाता है कि आप जहां मर्जी खर्च कीजिए, आप अपने वो केंद्र की योजनाओं में जो पैसा है उसको पैकेज में नहीं माना जाता, वो तो हर राज्य को मिलता है। आप ये बताइए तो पैकेज पर लोगों को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है पैकेज नाम के जुमले पर। देखिए पैकेज का, पैकेज पर तो संजय झा को ही भरोसा है ना, संजय झा नहीं, संजय झा की हैसियत क्या है बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एक एक दर्शकों के ज्ञान के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि संजय झा ने ही जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या स्पेशल पैकेज दिया जाए। और स्पेशल पैकेज का रूपरेखा क्या होता है, क्या उसकी ड्राफ्टिंग होती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बजट सत्र के बाद यदि इस चीज को लेकर कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता है, और ये एक बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा है जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं वो भी एक जाजम पे आ गए हैं, एक साथ बैठने को तैयार हो गए हैं इस मुद्दे पे, और नीतीश कुमार यदि इस विषय पे संबंध विच्छेद करते हैं, खासकर बिहार राज्य के विशेष दर्जा को लेकर, रिजर्वेशन वाले मामले में जिसमें 65% का कोटा को लेकर, आप देख लीजिएगा सफाया हो जाएगा। सेंटिमेंटल मुद्दा है और राजनीति में सेंटिमेंट का बड़ा प्रभाव होता है, एक नैरेटिव का बड़ा इम्पैक्ट होता है। भावनात्मक मुद्दे यदि आ गए, आप देखते होंगे कई बार आपने कई चुनाव अभिषेक जी आपने देखा होगा, आपको याद है एक बार नरसिम्हा राव बिना एमपी चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए थे, और जब वो चुनाव लड़ने गए प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5.5 लाख वोटों से जीते थे। तो सेंटिमेंटल हो जा, सेंटिमेंट एक बड़ा एक फैक्टर होता है राजनीति में। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, अब से एक दो सेकेंड, ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे विचारधाराओं को लेकर हम बटे हों, जात पात में बटे हों, लेकिन ये एक ऐसा कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर एक व्यक्ति मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में होंगे जब ये संबंध विच्छेद करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को कहने को होगा कि हमने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब लोगों के लिए मैंने रिजर्वेशन मांगा था, बीजेपी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं क्या करता। अब तब वो चुनावी समर में जाएंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे जी, तो फिर वो युद्ध बहुत भीषण होगा और उस युद्ध में नीतीश कुमार जरूर मुझे लगता है कि बीजेपी को पराजित करेंगे जी। ऋषि जी हम अंतिम सवाल पर आ रहे हैं। सवाल दरअसल ये है, आप जानते हैं कि 20 तारीख से भादों का महीना शुरू होगा, शुभ काम कुछ होता नहीं है, उसके बाद पितृपक्ष 15 दिन चलेगा, 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू होगी, तब जाकर के बिहार में कोई राजनीतिक डेवलपमेंट जो 19 अगस्त तक अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मामला आमतौर पर मान्यताओं के मुताबिक 3 अक्टूबर या उसके बाद ही संभव होगा। ये बात क्लियर है, बिहार के राजनेताओं को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भले ही बात समाजवाद और अंधविश्वास से ऊपर की करें, लेकिन इन सब मामलों में वो पितृपक्ष और भादों के महीने में कुछ नहीं करते हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। अब सीधा सवाल ऋषि जी ये आता है यहाँ पर, ये आप भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण को 9th शेड्यूल नवी सूची में डालने का ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी, और नीतीश कुमार यदि ये उम्मीद पाले हुए हैं तो बिहार के लोगों के दिलो दिमाग पर भी ये पता है, धीरे धीरे बात बैठने लगेगी, नीतीश कुमार बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देने वाली नहीं है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली कहावत को चरितार्थ करने चले। सवाल ये है, संसद का बजट सत्र 9 अगस्त तक है,
बजट पास कर दिया जाएगा। 23 जुलाई को पेश हुआ बजट, 9 अगस्त या उसके पहले पास कर दिया जाएगा। 9 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में क्या लगता है, नीतीश कुमार स्क्रिप्ट लिख चुके हैं या स्क्रिप्ट में कुछ और जोड़ना बाकी है? बिहार किस दिशा में जा रहा है हमारे दर्शकों को साफ बता दीजिए, क्योंकि मैं इस बात पर 1000% में मुतमईन हूं कि विशेष राज्य का दर्जा या आरक्षण को नवीन अनुसूची में डालने का काम केंद्र सरकार नहीं करने जा रही है। आप भी जानते हैं नीतीश कुमार के दोनों हाथ में स्क्रिप्ट है, हाँ कहेंगे तो ठीक है, ना कहेंगे तो भाग जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए केसी यादव का जो शेड्यूल पर ही रहेंगे, भगा देंगे, मतलब भगा देंगे। और दूसरी तरफ देख लीजिए विपक्ष के जो बड़े नेता है, तेजस्वी यादव का स्क्रिप्ट तैयार है, 15 अगस्त के बाद वो निकल रहे हैं, 15 अगस्त से पहले खेला हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी निकल जाएंगे फील्ड में, कहेंगे देखिए नीतीश जो है पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ों का नेता बनते हैं, जब पिछड़ों की हक की बात हुई तो ये सत्ता के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में बैठ गए। तो ये दोनों तरफ से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, नीतीश कुमार सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, नीतीश कुमार के बातचीत और भाषा भी संकेत दे रही है। बिल्कुल, अब शक्ति यादव का बयान आना, मृत्युंजय तिवारी का बयान आना, वो भी रुपौली बाई इलेक्शन के बाद, कि देखिए नुकसान तो हमें हुआ है, हारा भी है तो पिछड़े का बेटा हारा है, और हारी भी है तो पिछड़े की बेटी हारी है जी। अच्छा, संकेत तो साफ है, संकेत तो साफ है ऋषि जी, मुंबई गए लालू परिवार के लोग, तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी मुंबई गए शादी में, मुकेश अंबानी के यहाँ, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में गए थे लोग, उस शादी के बाद पटना में इनके दर्शन नहीं हुए हैं, घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, घूमना फिरना भी चाहिए, संभालनी है सत्ता में, आके सत्ता में चाचा के साथ बगलगीर बनना है, उसके पहले जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव ये चश्मा लगा के ये देख रहे हैं कि चाचा स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं, इसलिए इंतजार में हैं। चाचा बिना उसकी मर्जी के स्क्रिप्ट तो लिख नहीं रहे होंगे। देखिए चाचा दो दो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक स्क्रिप्ट तेजस्वी यादव को दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पक्ष में लिख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट ये भी दूसरा स्क्रिप्ट ये भी है वो बीजेपी को दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। चाचा के हाथ में दो दो स्क्रिप्ट है, इधर संकेत मिलेंगे फिर वो स्क्रिप्ट का फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। 15 अगस्त तक इंतजार कीजिए, ये 10 से 15 अगस्त का जो बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछली बार भी 9 अगस्त 10 अगस्त 11 अगस्त से भादो का महीना शुरू हो रहा था तो 9 और 10 को खेल हुआ था, इस बार भी स्थितियां उसी दिशा में जा रही है। लेकिन वही 10 मैंने 10 कहा है ना, तो समझिए 8-9 कभी भी ये खबर आ सकता है, फिर हम लोगों को हमारी आपकी व्यवस्था बढ़ जाएगी, हमारी आपकी व्यवस्था तो देखिए जब तक बिहार में नीतीश कुमार को बहुमत नहीं आएगा, 10 से 15 के बीच में 115 सीटें नीतीश कुमार को थी, कहां व्यवस्था थी किसी की, ज्यादा सबको पता था कि सरकार वही चलाएंगे, भाजपा का भी लोड नहीं ले रहे थे, भले 91 विधायक थे, कोई जरूरत नहीं थी। अब बिहार में किसी को 110 15 या 122 विधायक आ जाएंगे तो हम लोग की व्यवस्था कम हो जाएगी, बाकी तो हमारी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, पत्रकारों की व्यवस्था कम नहीं होती है, जब फिर सरकार ने जो प्रॉमिस किया उस पे यदि खड़ा नहीं उतरेंगे फिर नीतीश कुमार खिंचाई होगा, या जो सत्ता में होंगे उनकी खिंचाई होगा। सत्ता में जो रहेंगे हमारा धर्म है कि हम शाश्वत विपक्ष की भूमिका में पत्रकार और पत्रकारिता होती है, सत्ता में जो रहेंगे उनकी खिंचाई करेंगे। आज अगर विशेष राज्य का दर्जा पर बीजेपी मुलम्मा दे रही है तो आज हम नीतीश कुमार की खिंचाई कर रहे हैं, आप देख रहे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, नवी अनुसूची में डालने के मुद्दे पर बीजेपी मुलम्मा दे रही है तो खिंचाई हो रही है, तो हम लोग खिंचाई तो करेंगे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा कम हो जाती है जब सरकार को बहुमत मिलता है, जैसे नरेंद्र मोदी को 282 और 303 मिला तो सरकार रहेगी या जाएगी इसकी चर्चा तो नहीं हो रही थी, आज हम पत्रकारों की आधी एनर्जी उसी में जा रही है कि वाकई सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, और सबको पता है कि नीतीश नायडू जिस दिन तैयार हो गए उस दिन नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री की जगह पूर्व प्रधानमंत्री कहे जाएंगे, ये सबको पता है। खैर, बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईडी की गतिविधियां जैसे ही बिहार में तेज हुई है, जैसे ही संजीव हंस तक ईडी पहुंची है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लाल आंख दिखाना शुरू हो गया है, और ये लाल आंख दिखाने की प्रक्रिया
बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन का गवाह बनेगी। आमतौर पर बिहार में मुख्यमंत्री परिवर्तन नहीं होता है, विपक्ष परिवर्तन होता है। तो क्या यह विपक्ष परिवर्तन का गवाह बनने जा रही है? देखिए, तेल की धार देखते हैं, तेल को भी देखते हैं, तेल की धार भी देखते हैं और सियासत भी देखते हैं। सियासत इसी का नाम है, खासकर गठबंधन की सियासत, गिव एंड टेक, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। और गठबंधन की सियासत में ईडी और सीबीआई की जगह नहीं होती है। ये नई रवायत है, नया अमृतकाल है नरेंद्र मोदी का और नई रणनीति है चाणक्य की। तो देखते हैं चाणक्य या नालंदा वाले चाणक्य, असल खेल इन्हीं के ऊपर है, कौन इस सहमात के खेल में किसे मात दे देता है। ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बहुत सार्थक चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।